बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स द डे चैनल में खुश आमदीद। वीडियो की जानी बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और भी इस तरह की वीडियोस आपको बासानी मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से नई वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नंबर वन पे जो पोस्ट है वो है हेड ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है LLB और मुतलका फील्ड का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है, अगर मेंशन है 3 साल का। नंबर टू पे पोस्ट है वो है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR, मास्टर डिग्री रिक्वायर है या MBA और इसके साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। उसके बाद नंबर 3 पे पोस्ट है हेड ऑफ लाइसेंसिंग एंड वेरिफिकेशन, इसके लिए MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर है और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। उसके बाद नंबर 4 पे है हेड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इसके लिए MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर है और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। नंबर 5 पे पोस्ट है हेड ऑफ कंप्लायंस, इसके लिए MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर है और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। उसके बाद नंबर 6 पे हेड ऑफ इवैल्यूएशन, MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, इसी तरह एक्सपीरियंस भी मेंशन आगे। नंबर 7 पे है हेड ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन MBBS रिक्वायर है और 8 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। उसके बाद नंबर 8 पे है हेड ऑफ MISIT, इसके लिए MSIT या मास्टर डिग्री रिक्वायर है, इसके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। उसके बाद लास्ट पे हेड ऑफ पब्लिक रिलेशंस, इसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर है और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। उसके बाद दोस्तों, इसमें अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपके CV और आपका CNIC और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने इस एड्रेस पे पोस्ट करना है, वो नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रार पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, G104 मावे एरिया, इस्लामाबाद। तो दोस्तों, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लगाकर इस एड्रेस पे पोस्ट करनी है और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 11 सितंबर। ऐड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।